कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं ये आलू लेकर आई थी, काफ़ी दिन से मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, ये बेबी पोटैटोज़ हैं तो मैं इसके आज खट्टे आलू बनाऊंगी। तो भी मैं कर रही है, मैंने ऊपर ये देखे छोटे छोटे से हैं, बॉईल कर आलू जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, ठीक है। उसके अंदर मैंने इमली का पेस्ट, नमक और लाल मिर्च जो है वो इस तरह डाल के रख दी थी थोड़ी देर। और अब मैंने यहाँ पर तेल जो है वो डाल दिया है, इसके अंदर मैं जीरा डाल दिया है थोड़ा सा। और अब मैं इसके अंदर ये चटनी है लाल वाली मेरे पास, इसमें लहसुन अदरक लहसुन लाल मिर्च और सिरका की चटनी बनी है, वो मैं थोड़ी डाल दी। इसको इमली के साथ जो ना लाल मिर्च और नमक डाल के जो आलू में रख देंगे तो उससे जो है वो फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है आलू का। आलू मैंने कट नहीं किए हैं, आप चाहें तो इसको दो भी कर सकते हैं मेरे पास, क्योंकि ये बेबी पोटैटोज़ हैं तो साइज़ छोटा है इनका, इस वजह से मैंने इनको कट नहीं किया है। आप चाहें तो इनको कट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक दूँगी और ढक कर पकने दूँगी। अब ये देखें, इसको ढक्कन लगा दिया मैंने, थोड़ी देर ये फुल आंच पे इसी तरह पकड़ेगा ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। जब जो है वो रेडी हो चुके हैं तो फिर मैंने कुछ आलू जो है वो कट कर दिए, ठीक है। और अब मैं चाहें, अगर ऑयल आपको नहीं पसंद तो आप इसमें ऑयल कम डालें, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ऑयल, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये आलू जो हैं वो अब रेडी हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया जो है और साथ हरी मिर्च वो कट करके रखी है साथ, तो और आप अगर चाहें एज यू विश तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकती हूँ। तो फिर आलू जो हैं वो रेडी है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।